Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 19 जुलाई रविवार है। श्रावण मास की शिवरात्रि की आप सबको परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण की महीना शिव जी का प्रिय महीना है और इस महीने की शिवरात्रि के दिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल श्रावण शिवरात्रि 19 जुलाई रविवार यानी आज है। इस बार सावन में कई विशेष योग भी बने हैं। इस बार सावन महीना सोमवार से यानी गुरु पूर्णिमा से शुरू हुई है और इस महीने की अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। वहीं सावन के महीने में सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करने के साथ ही विष्णु जी की पूजा का भी विशेष फल मिलता है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से जीवन में सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने की मास शिवरात्रि का व्रत रखकर भोले बाबा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इसके अलावा सावन के शिवरात्रि और फाल्गुन मास में पड़ने वाला महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के सावन की शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक करने से वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं शिवरात्रि के शुभ मुहूर्तों और महत्व क्या है। सावन शिवरात्रि की पूजा का समय क्या है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 19 जुलाई सुबह 12:41 से है। चतुर्दशी तिथि समाप्त 20 जुलाई को रात 12:10 इसी तक काल पूजा 20 जुलाई रात 12:07 से 12:10 तक है। पारण का समय 20 जुलाई सुबह 5:36 पर है। फाल्गुन महीने के बाद सावन महीने का हर कोई बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान शिव को गंगा जल से जलाभिषेक करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन में सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मनपसंद फल प्राप्त हो जाता है। शिव पूजा से पुण्यों में बढ़ोतरी तो हो जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही है। ऐसे कार्यों को करने से पूजा का प्रभाव निष्फल हो जाता है। कौन कौन सी कार्य थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी का अपमान ना करें। ऐसे तो हमें किसी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन में किसी बुजुर्ग, अपने से बड़े, गुरुजनों, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी या किसी निर्धन व्यक्ति का अपमान भूलकर भी ना करें। बुरे विचारों को मन में ना लाए। मन में किसी के लिए भी दुर्भावना और बुरे विचारों को त्याग दो। दुर्भावनाओं के कारण पूजा के समय आपका मन इधर उधर भटक सकता है, जिससे पूजा फलदायी नहीं होगा। क्रोध करने से दूर रहे। क्रोध करना तो वैसे भी नुकसानदायक होता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर हमें हानि पहुंचाती है। जब क्रोध आता है तो मन की एकाग्रता और विवेक क्षीण हो जाता है। ऐसे में मन में अशांत रख के पूजा करने से पूजा निष्प्रयोग हो जाता है, लिहाजा वो व्यर्थ ही हो जाता है। घर में झगड़ा ना करें। कहते हैं कि जिन घरों में क्लेश होता है, अशांति बनी रहती है, वहाँ देवी देव देवियों का निवास नहीं होता है। झगड़ा करने से पूरे घर की शांति भंग हो जाती है। सावन में विशेष ध्यान रखें कि घर में या पति पत्नी में विवाद ना हो। एक दूसरे की गलतियाँ को क्षमा करें। मन प्रसन्न रहेगा तो ध्यान भी पूजा में रहेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगा। मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तब समुद्र से विष का घड़ा निकला, लेकिन इस विष के घड़े को न देवता न असुर लेने की तैयार हो रहे थे। तब विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए और समस्त लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने इस विष का पान किया था। विष के प्रभाव से भगवान शिव का ताप बढ़ता जा रहा था। तब सभी देवताओं ने विष की प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शंकर पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया था। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। सावन शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा का समापन दिवस भी कहा जाता है, जो मानसून के सावन के महीने में आता है। हिंदू तीर्थ स्थान हरिद्वार, गौमुख व गंगोत्री, सुल्तानगंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नीलकंठ और देवघर सहित अन्य स्थानों से गंगा जल भरकर अपने अपने स्थानीय शिव मंदिर में इस पवित्र जल को लेकर लोग चढ़ाता है। भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि है। संस्कारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है, इसलिए
जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र और शुभ माना गया है और इस पूरे महीने में सुबह जल्दी उठे और स्नान करके साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव जी की पूजा करें, पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ सफाई करें और वहां गंगा जल की छिड़काव करें। आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल दूध अभिषेक भी करें। उसके बाद भगवान शिव और शिवलिंगों को चंदन तिलक लगाइए। उसके बाद भगवान शिव की सुपारी, पंचामृत, नारियल, बेलपत्र, धनुरा, फल फूल आदि अर्पित करें। अब दीपक जलाइए और भगवान शिव का ध्यान लगाइए। उसके बाद शिव कथा या फिर शिव चालीसा पाठ करें और महादेव की आरती करें, इससे आपको पुण्य जरूर मिलेगा। वही अगली खबर, संयुक्त राष्ट्रों ने आतंकी समुदाय तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP के प्रमुख नूर वाली महसूद को अलकायदा से जुड़ी संगठनों की ओर से साजिश रचने, उनके लिए धन की व्यवस्था करने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने को लेकर वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 ISIL एवं अलकायदा प्रतिबंध समिति ने 42 वर्षीय महसूद को बृहस्पतिवार को प्रतिबंध सूची में डाला। अब इस पाकिस्तानी नागरिक की संपत्तियां कुर्क की जा सकेगी, इस पर यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है और हथियार रखने पर रोक लगाया जा सकेगी। प्रतिबंध समिति ने कहा, महसूद को अलकायदा से संबंधित समूहों और समर्थन करने, उनकी आतंकवादी गतिविधियों की वित्त पोषण करने, साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के कारण इस सूची में डाला गया है। महसूद को जून 2018 में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की प्रमुख मौलाना फजलुल्लाह की मौत के बाद उस आतंकवादी संगठन का प्रमुख बनाया गया था। इस संगठन के अलकायदा से संबंध रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 29 जुलाई 2011 को कली सूची में डाला था। प्रतिबंध समिति ने कहा, नूर वली को नेतृत्व अगस्त 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैनिकों पर हुए बम हमलों के भी उन्होंने अपना हाथ होने की बात कबूल की। समिति ने कहा कि समूह ने 1 मई 2010 का टाइम स्क्वायर पर हुए बम हमले का भी जिम्मेदारी ली थी। उसने अप्रैल 2010 में पेशावर में अमरीकी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था, जिसमें कम से कम 6 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे और 20 अन्य घायल हुए थे। पाकिस्तान ने महसूद की वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने का शुक्रवार को स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रासंगिक प्रस्तावों को अनुरूप पाबंदियों की लागू कर रहा है और हम आशा करते हैं कि वन्नो देश भी उसी रास्ते पर चलेगी। उसने कहा कि पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ संघर्ष की अपनी नीति पर चलता रहेगा जो आतंकवाद की साजिश रचने, धन की व्यवस्था करने और उसे अंजाम तक पहुँचने में लगे है। अमेरिकी विदेश विभाग की दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों को बुरी ने एक ट्वीट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा महसूद को ISIL एवं अलकायदा प्रतिबंध सूची में शामिल करने का बहुत स्वागत करता है। उन्होंने कहा, TTP पाकिस्तान में कई घातक आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका घरेलू रूप से सितंबर 2019 में ही नूर वली को आतंकवादी करार दिया था। सुरक्षा परिषद द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संगठन को काली सूची में डाला जाता है तो देश को बिना किसी विलंब की उनके आर्थिक स्रोत, अन्य संपत्तियां एवं आर्थिक संस्थानों पर रोक लगाना होती है। वही अगली खबर, भले ही दिल्ली में चीक से पहले कोरोना वायरस की वापसी देखने को मिली है, लेकिन एक सच ये भी है, राजधानी की मरीजों में संक्रमण की स्रोत को पता ही नहीं चल पा रहा है। कम से कम एक चौथाई मरीज ऐसे हैं जिन्हें ये ही नहीं पता कि वो संक्रमण की चपेट में कैसे आया। सरकार या फिर प्रशासनिक स्तर पर भी इसका कोई जानकारी नहीं है। ये स्थिति तब है जब हर संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में आने वाले की पहचान, जांच और आइसोलेशन अनिवार्य है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कंटेनमेंट या बफर जोन के साथ बाहरी क्षेत्र में भी संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की महानिदेशक का कहना है कि ऐसे तकरीबन 24-25% मरीज है जो कंटेनमेंट जोन या बफर जोन से बाहर के निवासी है, जबकि कोई इलाकों में ये संख्या काफी ज्यादा है। मेडिकल टीमों को झूठी जानकारी देकर प्रभावित करने से लोग स्वास्थ्य विभाग के ही एक अन्य अधिकारी ने बताया कि संक्रमित मरीजों से ज्यादा उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। फील्ड का दौरा करने वाला टीमों का सबसे ज्यादा
दिक्कत लोगों की सहयोग ना मिल पाना है। कई बार लोग झूठी जानकारी देकर टीम को भ्रमित तक कर देते हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि लोग मेडिकल टीम का पूरा सहयोग करते हुए कोरोना वायरस की इस लड़ाई को मिलकर कामयाबी तक पहुंचे। हालांकि उनका वो भी मानना है कि संक्रमण का स्रोत पता न होने का मतलब सीधे तौर पर सामुदायिक फैलाव की ओर इशारा करता है, लेकिन इस बारे में पुष्टि करने का अधिकार दिल्ली का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का है, जो शुरुआत से अब तक देश में सामुदायिक फैलाव से इनकार करते आई है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे शहरों में इसकी झलक देखने को मिल चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्यन जैन भी एक महीने पहले सामुदायिक फैलाव की पुष्टि करते हुए कहा चुके हैं कि 30% आबादी की कोरोना हुआ और वो ठीक भी हो गए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि दिल्ली में ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें हमें संक्रमण का स्रोत का पता नहीं है। जिला स्तर पर बात करें तो 11 में से ज्यादातर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज अब नए नए इलाके से मिल रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन कार्यालय ने तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके यहाँ करीब 3,000 से 4,000 संक्रमित मरीज ऐसे है जो कंटेनमेंट जोन से बाहर रहती है। इनमें से ज्यादातर में संक्रमण का स्रोत का नहीं पता है। सहादरा जिला में 8,312 में से 7,804, पूर्वी दिल्ली में 1,400 में से 700, मध्य दिल्ली में 1,499 में से 700 और उत्तरी दिल्ली जिला प्रशासन के अनुसार 1,000 में से 800 मरीज कंटेनमेंट जोन से बाहर मिल चुके हैं। ठीक ऐसे ही तरह दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन के अनुसार उनके यहाँ ऐसे ही मरीजों की संख्या करीब 80% तक है। सावार, डेली हंट, अमर उजाला, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।